गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 का नया टॉपिक। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था गति के बारे में, गति वेग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दूरी और विस्थापन भी पढ़ा था। तो दूरी और विस्थापन में आप लोगों को अंदर समझ में आ गया होगा, कोई वस्तु जिस पथ से होते हुए गति करते हुए जाती है, वो जो पथ की उसकी दूरी है वो उसकी कुल दूरी होती है। और विस्थापन का मतलब होता है कोई वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है और उसका जो अंतिम बिंदु होता है, उन दोनों के बीच की सीधी जो दूरी होती है वो उसका विस्थापन होता है। कभी भी दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक समान और असमान गति की। एक समान गति और असमान गति क्या है? तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है ए, ये एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, उसके बाद अगले एक घंटे में फिर 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, उसके बाद हर एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यानी इस वस्तु के द्वारा निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जा रही है। तो इस तरह से जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है तो उसकी चाल जो होती है वो एक समान होती है। असमान चाल की हम बात करें, जब कोई वस्तु निश्चित समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरी वस्तु है बी, ये है कोई दूसरी वस्तु बी, ये एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, अगले एक घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, उसके बाद अगले एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, फिर एक घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो समय एक घंटा निश्चित है, जरूरी नहीं कि एक घंटा ही हो, समय एक एक मिनट का भी हो सकता है, 5-5 मिनट का भी हो सकता है, कितना भी अंतराल इसमें हो सकता है। तो समय कितना भी हो सकता है, लेकिन जो जब रिपीट हो रहा है, जैसे हर 20 मिनट में या हर आधे घंटे में या हर 40 मिनट में या हर एक घंटे में या 2 घंटे में, तो वस्तु जब निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, जैसे मान लीजिए हम निश्चित समय ले रहे हैं 5 मिनट का, कोई वस्तु 5 मिनट में 200 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, फिर अगले 5 मिनट में 200 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में 200 किलोमीटर। तो इस तरह से अगर निश्चित समय में वस्तु निश्चित दूरी तय कर रही है, हर बार उतने समय में उतनी ही दूरी अगर वस्तु तय कर रही है, तो उसकी चाल जो होगी वो एक समान चाल होती है। और जब कोई वस्तु समय निश्चित हो लेकिन भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, जैसे 5 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर, तो हर निश्चित समय में वो भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो उसकी चाल होती है असमान चाल। एक होती है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए, ये यहाँ से चलना शुरू करती है और ये अपने किसी दूसरे स्थल, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपने गाँव जा रहा है, यहाँ से चलना शुरू करता है और अपने गाँव जब पहुँचता है, ये बी बिंदु हो गया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु, यहाँ से यहाँ पहुँचने में ये कुल दूरी तय करता है 500 किलोमीटर की। कुल दूरी इसने तय की 500 किलोमीटर और इसने कुल समय लिया इसमें 10 घंटे। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसने 10 घंटे का समय लिया। तो एक तो हमने बात की एक समान चाल की, जब निश्चित समय में वस्तु निश्चित दूरी तय कर रहा है, एक असमान चाल, निश्चित समय में वस्तु भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है। एक होता है औसत चाल, यानी एक घंटे में अनिश्चित समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय की इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे कुल दूरी है 500 किलोमीटर, समय है 10 घंटे, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखें इसकी जो एवरेज औसत चाल होगी, यानी 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये वस्तु 10 घंटे का समय ले रही है। हो सकता है एक घंटे वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है, हो सकता है एक घंटे के अंदर वस्तु ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की हो, हो सकता है अगले एक घंटे में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, हाईवे था, और वस्तु ने एक घंटे के अंदर इस गाड़ी ने मान लीजिए 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली, फिर अगले एक घंटे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वस्तु है मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रही है। तो हर घंटे में इसकी जो है वो तय की गई दूरी अलग अलग है, लेकिन अगर हम औसत निकालें कि 500 किलोमीटर की जो दूरी है उसने 10 घंटे में तय की है, तो एक घंटे में अगर हम औसत निकालें तो एवरेज इसने एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये होती है औसत गति। कई बार क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं इस तरह से कि एक वस्तु है वो इतने समय में इतनी दूरी तय कर रही है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपको अलग अलग मान दे दे, सारणी दे दे, जिस तरफ एक तरफ समय दिया हो, दूसरी तरफ जो है दूरी तय की गई हो, और उसका ग्राफ बनाना दे दे, जैसा कि आप लोगों ने मैथ में ग्राफ बनाने सीखे भी होंगे। एक समान अगर गति है तो ग्राफ आपको मिलेगा इस तरह से स्ट्रेट, और असमान गति है तो फिर वो अनियमित ग्राफ मिलेगा। इसके बाद हम वेग को दोबारा एक बार देखते हैं। वेग जो है क्या है?
कोई भी वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वो उस वस्तु का वेग है। वेग जीरो हो सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि विस्थापन अगर जीरो है तो वेग जीरो हो सकता है। अब वेग इनके मात्रक, मात्रक का मतलब होता है मापने की इकाइयां। जैसे हम बाजार से दूध लेके आते हैं तो लीटर में लेके आते हैं, वो क्या है इसकी मापन की इकाई है। हम और कोई सामान लेते हैं तो किलोग्राम में लाते हैं, वो क्या है इसकी मापन की इकाई। तो विस्थापन, वेग का सूत्र मैंने आपको कल भी बताया था, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, दूरी है, इसको किस में मापते हैं हम, मीटर में। समय किसको किस में मापते हैं, सेकंड में। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। ये प्रति का मतलब बट्टा है, इसके नीचे, चाहे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएं, ये निशान हटाए तो मीटर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस वन, प्रति का निशान हटाते हैं। तो जब भी कोई फॉर्मूला हो, जैसे हम बात करें गति की, तो चाल ज्ञात करते हैं कुल दूरी बटे समय, तो यही मात्रक होगा जो है दूरी का। अब कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। इन क्वेश्चंस में आपका पेज नंबर जो है 110 जो है, इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक वस्तु है जो कि कुछ दूरी तय कर रही है। एक वस्तु कुछ दूरी तय कर रही है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो अपने उत्तर को एक उदाहरण के द्वारा बताइए। एक वस्तु है, वो वस्तु कुछ दूरी तय कर रही है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, हाँ या ना में जवाब देना है। अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। कोई वस्तु कुछ दूरी तय कर रही है, उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य कब होता है, जो वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है और वहीं पर आके जब रुकती है तो उसका विस्थापन हो जाता है शून्य। मान लीजिए, उदाहरण हम बता रहे हैं, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो कि एक वृत्ताकार पथ पर घूमकर आकर वापस वहीं रुक जाती है, तो इसका विस्थापन हो जाएगा शून्य। यहाँ पे विस्थापन होगा शून्य। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है, इसका आंसर हाँ, अगर कोई वस्तु थोड़ी दूरी तय कर रही है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लीजिए जो वस्तु जहाँ से चलना शुरू कर रही है घूमकर, या दूरी तय करके वापस वहीं आके रुक रही है, तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप, कोई किसान है, इसका एक वर्गाकार खेत है, ये एक वर्गाकार खेत है। वर्गाकार का मतलब आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग हो। इसकी भुजा जो है एक 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। तो इसकी एक भुजा क्या है, 10 मीटर की। इसका पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, इसका पूरा, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई वो शुरू हुआ चलना, इसका पूरा एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने के लिए समय लेता है 40 सेकंड। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए समय लेता है 40 सेकंड। इसके बाद इसमें पूछा है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ध्यान दें, ये एक 10 मीटर वर्ग वाला, एक भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की है। एक किसान इसका पूरा एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ होगा। मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू कर रहा है 40 मिनट, अगर इसको हम सेकंड में बदलें, 2 मिनट 20 सेकंड को अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो 140 सेकंड हो जाती है, कुल सेकंड होती हैं 140। तो यहाँ पे ध्यान दें आप, यहाँ से वस्तु चलना शुरू कर रही है, ये किसान चलना शुरू कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में, दूसरा चक्कर लगा रहा है फिर 40 सेकंड में, तीसरा चक्कर लगाएगा 120 सेकंड में, तीसरा चक्कर लगाएगा 120 सेकंड में, और अब बचे कितने, 140 है। और जब 40 सेकंड में ये एक चक्कर लगा रहा है तो 20 सेकंड बचे, इसमें कितना चक्कर लगाएगा, आधा, यानी इसकी स्थिति कहाँ होगी, यहाँ पे। किसान 2 मिनट 20 सेकंड, 40 सेकंड में एक चक्कर, फिर अगले 40 सेकंड में एक चक्कर, फिर अगले 40 सेकंड में एक चक्कर, उसके बाद 20 सेकंड बचे, तो 20 सेकंड में होगा यहाँ पे। तो यहाँ से इसका विस्थापन कितना है, आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा, आधार, कर्ण और लंब दे रखा है, तो आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, इसका आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
आप लोग जो है कर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु ये है और ये दो तीन चक्कर लगा के चौथा यहाँ आके रुक जाता है, तो इनके बीच का विस्थापन हो जाएगा ये। यानी आपको इसमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का जो मान आएगा वो ही होगा आपका विस्थापन। तो आधार दे रखा है 10 मीटर, लंबाई भी है 10 मीटर, कर्ण आपको जो है वो ज्ञात करना है, तो वही होगा इसका विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, विस्थापन के लिए इनमें से कौन सी चीज सही है। पहला, यह शून्य नहीं हो सकता, ये चीज गलत है। विस्थापन शून्य हो सकता है, ऐसा नहीं है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई वस्तु जिस जगह से चलना शुरू करती है वापस उसी जगह पे आके रुक जाती है तो विस्थापन होता है शून्य। अगला है, इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी गलत है। कभी भी ध्यान रखें, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और इसका विस्थापन बराबर होता है। दूरी का मान ज़्यादा हो सकता है, विस्थापन कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जहाँ पे दूरी कम और विस्थापन जो है वो अधिक हो। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है ये मैंने करवा दिए हैं। आप लोगों को इस चैप्टर में जो 3 क्वेश्चन आज मैंने जो करवाए हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।